जय जय बाबा, जय बाबा। गॉड स्पीक्स अध्याय नंबर 1 चैप्टर 1, इसमें हम लोग यहाँ तक आए थे और वो था कि यह जो आत्मा जो है, मतलब हमारे जो 3 शरीर है आत्मा के, 1, 2, 3, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कारण शरीर या मेंटल बॉडी, इसे हम कहते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। यह आत्मा की 3 छाया है, शैडो है, भावती इज शैडो। और हम अपने इस 3 शरीर के द्वारा परमात्मा के जो 3 शरीर, परमात्मा के भी जो है स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत, ये जो परमात्मा के 3, 1, 2, 3, ग्रॉस वर्ल्ड, सटल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, मतलब कि हम लोग, हमारी ये इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा कुछ नहीं करता। ये बाबा ने यहाँ पे, बहुत सारी बाबा ने ये बातें स्पष्ट की है, बताया नहीं है, इसको प्रूव भी किया है और ये बताया है कि ये ऐसा ही है जैसे वो बता रहे हैं कि हमारी ये सब छाया है 3, और ये परमात्मा की छाया है, 3 जगत, ये जगत है। जगत, ये भी जगत, यूनिवर्स जिसका, ये अपना बॉडी है, और इसलिए यहाँ तक हम लोग आए थे। अभी आत्मा को जो भी सुख दुख, पाप पुण्य, ये सारे के सारे जो है, पर आत्मा इन 3 से अलग है, उसे कुछ नहीं है कि सुख दुख, नो, पाप पुण्य उसके लिए नो, ये सारे के सारे जितने भी है ये आत्मा से परे है, इसे कुछ नहीं लेना देना, आत्मा इनसे स्वतंत्र है। ये सारे किसके लिए है? ये जीवात्मा के लिए है, ना कि आत्मा के लिए। हम लोग जीवात्मा है, ये जो शरीर है पूरा, ये आत्मा की छाया है, और ये हम लोग ये 3 जगतों का अनुभव हम लोग ले रहे हैं। हमारे लिए पाप पुण्य है, हमारे लिए सुख दुख है, और ये सारा किसके लिए है? केवल संस्कारों के कारण ही हमको सुख दुख, पाप पुण्य का अनुभव, हमको अनिवार्य रूप से हमें इसका अनुभव करना ही पड़ता है, हम चाहे या नहीं चाहे। जब आए पृथ्वी पे, जब मानव रूप लिया है, तो ये करना ही है तुमको। और इसीलिए इससे बाबा बोलते कि इससे ये स्थापित हो गया। क्या स्थापित हो गया? दिस मच इज एस्टेब्लिश्ड दैट द एक्सपीरियंसेस ऑफ बर्थ एंड डेथ, हैप्पीनेस एंड मिजरी, वर्च्यू एंड वाइस आर एक्सपीरियंस ओनली बाय द ग्रॉस फॉर्म ऑफ द सोल। हमारे इस शरीर का यह अनुभव है, ना कि आत्मा का है।
अनुभव भी हमने ही लिया. फ्रॉम द सोल वाइल एक्सपीरियंसिंग द ग्रॉस वर्ल्ड, जब भी यह आत्मा इस स्थूल शरीर के द्वारा इस स्थूल जगत में सुख दुख ऐसा अनुभव लेता है, तो वो स्थूल जगत में जब भी हमारा वास रहता है तभी होता है. और इसीलिए बाबा कहते हैं कि केवल आत्मा को स्थूल शरीर के द्वारा पाप अनुभव प्राप्त होते हैं, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, पर अनुभव प्राप्त होते हैं इस शरीर के द्वारा. उसके साथ में चेतना भी है, उसके साथ में अपना मन भी है, सब कुछ है, सभी है. पर हमें ये समझना बड़ा कठिन है, हमको नहीं समझेगा, बराबर है, बड़ा डिफिकल्ट है. और इसीलिए यह शरीर हमारा अपना, यह जो शरीर जो है, हमारा अस्तित्व जो है, जीवात्मा जो है, वह इस अन्न भुवन, इसे कहा जाता है ग्रॉस वर्ल्ड बोलो या ग्रॉस जगत बोलो या अन्न भुवन बोलो, वे हमारे इसमें उसको अन्न भुवन कहा जाता है. ये अन्न भुवन का ही अनुभव हमें होता है. और यह स्थूल शरीर जो है वह इस आत्मा की छाया है. और इसीलिए और अन्न भुवन यह परमात्मा की छाया है. यह है अन्न भुवन. यह इस परमात्मा की रियलिटी की बोलो, ट्रूथ बोलो, उसको गॉड बोलो या सेल्फ बोलो या परमात्मा बोलो, बाबा उसको कहते हैं अनंत ओशन बोलो, अनंत महासागर, इस प्रकार से वो समझा के बताते हैं. और इसीलिए इस प्रकार से आत्मा के द्वारा किए गए जन्म और मृत्यु में पाप और पुण्य, सुख दुख के सभी अनुभव छाया के अनुभव है आत्मा के लिए. हमारे लिए ये रियलिटी है, आत्मा के लिए ये भ्रम है, इल्यूजन है, और इसमें वो अनुभव लेते हैं, छाया का अनुभव ले रहे हैं. हम लोगों को लगता है कि हम सत्यता का अनुभव ले रहे हैं. ये है रियलिटी, ये सत्य है, और ये है माया, इल्यूजन, भ्रम, जो भी कहो, जो भी कहो. और इसीलिए जितना भी अनुभव लेके लिया है हम लोगों ने, वो क्या है, मिथ्या है. ये हमें कोई पहली बार कोई बता नहीं रहा है, पर इस प्रकार से एक्सप्लेन करके पहली बार हमको मालूम पड़ा. ऐसे नहीं कि पहले किसी ने बताया नहीं है, सब जगह लिखा हुआ है, ऐसे कुछ नहीं, सब जगह लिखा हुआ है, और वो सही भी है जो लिखा है वो. पर हमें बार बार ये हमारे मन में प्रश्न आता है कि ये सब झूठा है, सब कुछ है, तो हमको तो ये सत्य लगता है, क्यों ऐसे होता है. उसका यह एक्सप्लेनेशन बाबा ने यह दिया हुआ है कि जो भी है, सब प्रकार का जो अनुभव तुम्हारा है वो कुछ नहीं है, पर सब मिथ्या है. पर इसके बावजूद भी हम इसको कितना संभाल के रखते हैं, अपने शरीर को, अपने घर को, अपने पैसे को, अपने प्रसिद्धि को, अपना जितना भी है सब कुछ, अपने प्रेस्टीज को कितना संभाल के रखते हैं. उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो उनको गुस्सा आ जाता है, और हमको ये लगता है कि ये रियलिटी है, और इसी के लिए हम लोग झगड़ा करते रहते हैं और मारामारी करते हैं. आगे में फिर बाबा ये समझाते हैं कि आत्मा यह वास्तव में परमात्मा है. आत्मा वास्तव में यह परमात्मा है. जब तक यह आत्मा इस ओशन के अंदर में है, महासागर में है, तब तक वो परमात्मा ही है. पर जैसे ही यह आत्मा यहाँ पे माया के अंदर में आता नहीं है, रियली आता नहीं, वो यहीं रहता है, पर जैसे ही वो यह स्थूल शरीर धारण करता है या सूक्ष्म शरीर धारण करता है या ये कारण शरीर धारण करता है, तो यह आत्मा जो है वो छाया का अनुभव लेता है, ना कि रियलिटी का अनुभव लेता है. जब तक वो यहाँ है तब तक वो रियलिटी का ही अनुभव लेगा. जब भी वो
जब ही वो शिवात्मा जब ही बन जाएगा तभी, पर जब तक वो इस ब्रह्म के अंदर में है, माया भी महासागर में है, तब तक उसका अनुभव यह छाया का अनुभव है, ना कि रियलिटी का है, भावते ये समझ। इसीलिए आत्मा जो है वो जब तक यहाँ है तब तक वो परमात्मा है। जब आत्मा यह सोचता है, थिंकिंग करता है, सोचता है कि मैं जीवात्मा हूँ, तो वो यहाँ का अनुभव लेता है, ये तीनों जगत का अनुभव लेता है, और वो सारे जगत हैं वो है मिथ्या, भ्रम, एवरीथिंग। और इसीलिए आगे में फिर कहते हैं, आत्मा और परमात्मा के बारे में जो कुछ भी संबंध है उसको स्पष्ट करते हुए मेहर बाबा ये कहते हैं कि मेहर बाबा ने इस परमात्मा की तुलना एक ओशन के साथ में की हुई है, महासागर। ये है महासागर, ओशन है, महासागर है। परमात्मा कैसे है? ओशन है, महासागर है। और वो महासागर भी ऐसा है कि उसको कोई किनारा नहीं है, श्योरलेस ओशन, मतलब उसको किनारा ही नहीं है। अपने महासागर को किनारा है, वो महासागर को कोई किनारा नहीं है, ऐसा उन्होंने उसका वर्णन किया, ये समझाने के लिए कि परमात्मा क्या होता है, वॉट इज गॉड, वॉट इज ट्रूथ, वॉट इज रियलिटी, वॉट इज सेल्फ, वॉट इज परमात्मा, ये समझाने के लिए इतना बड़ा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर आगे कहते हैं कि इस यह जो है सीमा रहित यह महासागर जो है, इसके साथ में बाबा ने उसकी तुलना की हुई है, और यह आत्मा, बाबा बोलते आत्मा क्या, नेवर बी आउट ऑफ द परमात्मा। यह आत्मा जो है, ये परमात्मा का जो ओशन है, इसके बाहर वो कभी भी जा नहीं सकता, ना वो जाता है। जब वो जाता नहीं है तो ये वो यहाँ पे अनुभव लेता कैसे है? फिर सवाल फिर से आ गया कि यहाँ में अनुभव कैसे लेता है जब वो वहाँ से बाहर नहीं आता है। तभी उसका भी वर्णन करते हुए बाबा कहते हैं कि वो कहते हैं कि परमात्मा, बिकॉज द आत्मा कैन नेवर बी आउट ऑफ द परमात्मा, बिकॉज परमात्मा इज इनफाइनाइट एंड अनलिमिटेड। जब एकादी चीज अनलिमिटेड है, अनंत है, तो कोई भी चीज उसके बाहर कैसी हो जाएगी? वो जा ही नहीं सकती। समुंदर का कोई भी ड्रॉप है वो समुंदर में ही रहेगा, समुंदर से बाहर थोड़ी जाएगा वो, उसको कोई पार थोड़ी हो जाएगा यहाँ से वहाँ तक, ऐसे होता नहीं है। और इसीलिए फिर बाबा फिर कहते हैं कि हाउ कैन द आत्मा कम आउट ऑफ और हैव ए प्लेस बियॉन्ड द लिमिटलेसनेस ऑफ द लिमिटलेस। फिर वो कहते हैं कि देखो कि आत्मा यह सीमा रहित मतलब लिमिटलेस, लिमिटलेसनेस का लिमिटलेस ऐसा उन्होंने कहा है। बोला आत्मा सीमा रहित की असीमितता, लिमिटलेसनेस मीन्स असीमितता जो है, उसके बाहर कैसे आ सकती है? बराबर है, कैसे आएगी उसके बाहर में? इम्पॉसिबल है। और या उसके परे में वो कैसे स्थान ग्रहण कर सकती है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये क्योंकि उनको ये समझाना है कि आत्मा ये कुछ नहीं है, पर वो परमात्मा ही है। परमात्मा हमारे सबके द्वारा, परमात्मा मुंगी से लेके पत्थर तक, पत्थर से लेके आदमी तक, जितने भी जीवात्मे हैं उनके द्वारा, परमात्मा खुद ये सारे विश्व का अनुभव, परमात्मा खुद अनेक प्रकार से, अनेक फॉर्म से, अनेक जीवात्मा के द्वारा, पत्थर योनि के जीवात्मा, पशु योनि के जीवात्मा, बर्ड एंड फिश के जीवात्मा, जितने भी जीवात्मा है उनके द्वारा अगर कोई समझो अनुभव ले रहा है तो वो एक ही है, एंड दैट इज़ गॉड, दैट इज परमात्मा। और इसीलिए बाबा बहुत बार जब भी मजाक में कहते थे कि तुम लोग परमात्मा हो, मेरे सामने बैठे हो और मैं ये देख रहा हूँ कि ये सब परमात्मा रो रहे हैं, ये दुखी है, किसी के चेहरे देखो तो ऐसे लगता है कि जैसे इनको किसी ने मारा है, तो मुझे हंसी आती है कि
क्योंकि उनको मालूम है परमात्मा क्या है, हमको थोड़ी मालूम है हम परमात्मा क्या है। पर बार बार बताते टाइम वो यही बताते कि आप भी वही हो जो मैं हूँ, और मैं इसीलिए धरती पे आता हूँ कि मैं आप लोगों को अपने जैसा बनाऊंगा, ये मेरा विश्वव्यापी कार्य है। वो छोड़ दो कि ईश्वर क्या हुआ, वो क्या हुआ, इसके घर में क्या हुआ, उसने क्या किया, वो समाज ने क्या किया, इसने वहाँ होते पेपर भी मत पढ़ो, पेपर की बात में भी मत पढ़ो, वो बोगस न्यूज़ है, वहाँ होते बोगस न्यूज़ है, बोगस न्यूज़। फिर भी बाबा बोलते किसी को कभी कभी पेपर पढ़ो, बोगस न्यूज़ पढ़ो। मुझे मालूम करना है कि मेरा जो कार्य चल रहा है उसमें वो कार्य बराबर ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोगस न्यूज़ पढ़ो। चलो आगे में, और इसीलिए आत्मा परमात्मा में स्थित है। अगर वो आत्मा इस महासागर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि महासागर ये अनंत है और अनंतता के आगे में और क्या है, कुछ भी नहीं है, तो बाहर कैसे जाएगा वो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यह तो सिद्ध हो गया कि आत्मा ये परमात्मा में ही स्थित है। जैसे ये डायग्राम में हमने बताया, देखो ये जो आत्मा जो है यह अचेतन है आत्मा, बोलो। ये अचेतन आत्मा जब भी अपना प्रवास करता है इस माया के थ्रू और ये इल्यूजन के अंदर, तो ये जो आत्मा जो है वह शिवात्मा बन जाता है, सातवीं भूमिका में जाता है, वह चेतन परमात्मा बनता है। ये हमने लास्ट टाइम हमने दूसरा डायग्राम निकाल के मैंने बताया था ये पूरे डिटेल। और इसीलिए आगे में इस मूल तथ्य को, यह जो प्रिंसिपल है, जो मूल तथ्य जो है, इसको स्थापित करने के बाद में फिर बाबा बोलते हैं कि देखो आत्मा यह परमात्मा में स्थिर है। इसके बाद में हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, वो एक साथ नहीं जा रहे। और वो ये कहते हैं कि हम ये सिद्ध करेंगे अभी कि आत्मा ये परमात्मा ही है, परमात्मा। इसीलिए सारे स्क्रिप्चर जो है वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि परमात्मा के सिवा और किसी को अस्तित्व नहीं है, नो एग्जिस्टेंस, ओनली गॉड एग्जिस्ट। नहीं, ये हम पहली बार नहीं सुन रहे, हमने लाखों बार यही सुना हुआ है, पर ये नहीं समझ में आता था कि भाई ये कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। वो बाबा गॉड स्पीक्स, इसीलिए वो बोलते हैं कि गॉड स्पीक्स पढ़ो, बार बार पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक तुम उसके साथ में एक रूप नहीं हो जाते हो। और वो बात सही है उनकी। और इसीलिए फिर उसको एक उदाहरण देते हुए, उसका उदाहरण लेते हुए मेहर बाबा ये कहते हैं कि देखो इस परमात्मा की तुलना मेहर बाबा ने एक महासागर से की हुई है, ओशन से, ओशन के साथ में उन्होंने तुलना की हुई है। कोई भी आदमी महाराज, हमको ये जिंदगी भर पढ़ा है, जिंदगी भर हमें कुछ समझने वाला है और ना ही हमें कोई समझने आना आएगा, नेवर, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आगे का आदमी अगर रियलाइज सोल होगा, सद्गुरु या अवतार होगा, तो समझ में आएगा। पर जिसको ये ज्ञान ही नहीं है, जिसने वो रियलिटी जो है उसको, जिसने अनुभव नहीं किया है, वो कभी भी उसको समझ नहीं पाएगा और ना ही बता पाएगा। इसीलिए बाबा बोलते इसीलिए उदाहरण के लिए बाबा ने एक असीमित महासागर की कल्पना करने के लिए हमको बोला। बोलते बाबा बोलते मैं ये कल्पना करता हूँ, आपको बताता हूँ कि यह जो ओशन जो है, महासागर जो है, वो उसको हम लोग टेम्पररी थोड़ी देर के लिए समझे कि ये परमात्मा है, समझो, है नहीं है, समझो, क्योंकि वो उदाहरण दे रहे, सब समझा रहे थे। और इसीलिए हम भी यह कल्पना करें कि हम इस असीमित महासागर, लिमिटलेस
ये जो महासागर जो है, हम इस महासागर के एक ड्रॉप है, ये हम भी कल्पना करें, वो कल्पना ही चल रही है सब, क्योंकि इस कल्पना के बारे में उन्होंने अपना जो किताब है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, इसके अंदर में उन्होंने ये स्पष्ट किया हुआ है कि परमात्मा की कल्पना से ही यह विश्व की निर्मिति हुई है। जब भी अपने को टाइम मिलेगा ये ख़त्म होने के बाद, तब हम वो देखेंगे और समझाएंगे डिटेल में कि ये कैसे हो गया। और इसीलिए आगे में हम भी यह कल्पना करें कि यह महासागर के सीमा रहित विस्तार में हम भी एक उस महासागर के एक ड्रॉप है, एक बिंदु है। मतलब हम यह आत्मा है, यह आत्मा क्या है, इससे ड्रॉप ऑफ द ओशन। पर जो गुणधर्म परमात्मा के है, वो गुणधर्म ये आत्मा के भी है। जब क्योंकि आत्मा यहाँ से अगर बाहर नहीं आता है और जब तक वो यहाँ पे है तो वो परमात्मा ही है, तो फिर उसके गुणधर्म अलग कैसे होंगे आत्मा के? आत्मा के गुणधर्म वही है जो परमात्मा के हैं। परमात्मा अनंत है तो आत्मा भी अनंत है, सभी अनंत है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो अलग ना होते हुए वह बाहर भी निकला नहीं है, अंदर में है तो वो परमात्मा ही है। और इसीलिए इससे यह अनुमान हम निकाल सकते हैं कि महासागर का यह बिंदु जो है, यह ड्रॉप जो है महासागर का, मतलब ये आत्मा जो है, वो महासागर के अंदर में रहते हुए भी वह अलग रहते हुए भी वह रहते हुए भी अलग होते होने के पहले स्वयं महासागर है, वह तटरहित महासागर में बिंदु के रूप में नहीं रहता है। मतलब उनका कहना उन्होंने ये समझाया कि जब तक ये यहाँ पे है तब तक वो आत्मा है, पर जब ही वो ये सोच समझता है, वो अचेतन है, उसको चेतन होना है, उसको मालूम करना है कि मैं कौन हूँ। जैसे परमात्मा को हूँ या माँ, मैं कौन हूँ, जब ये परमात्मा बोलेगा कि मैं कौन हूँ, तो ये आत्मा भी बोलेगा भाई मैं भी कौन हूँ। तो नेचुरली बाबा ने ये कहा है कि टेम्प्रेरीली ये समझो कि ये आत्मा यहाँ से निकला और ये यहाँ पे आ गया। थिंकिंग करो, विचार करो, वैसे ऐसे हुआ नहीं है और ना ही होता है। परंतु हमको समझाने के लिए वो ये बोलते हैं कि आप ये समझो कि यह आत्मा जब तक यहाँ पे है तब तक वो परमात्मा है, पर अगर वो बाहर आता है और वो यहाँ इस माया में या इस इल्यूजन में या भ्रम के अंदर में अगर वो अपने को स्थिर करता है, तभी तब वो महासागर का यह बिंदु, असीमित महासागर का एक बिंदु के रूप में अपन उसको मानना चाहिए और हमको मानना है। वो अभी तक जीवात्मा हुआ नहीं है, ना वो गैस फॉर्म में आया, ना वो दगड़ योनि में आया, ना वो पशु योनि में आया, ना वो मानव योनि में आया। अभी तो उसका प्रवास शुरू नहीं हुआ, अभी स्टार्टिंग चल रही है। और इसके बाद में इसीलिए बाबा बोलते हैं कि दूसरे शब्दों में अगर बताए तो ये है कि यह अनंत, असीमित और अपरिमित ऐसा ये महासागर जो है, मतलब यह इनफाइनाइट, अनलिमिटेड एंड लिमिटलेस ओशन, मतलब अपरिमित ऐसा ये महासागर जो है, इटसेल्फ इज नाउ लुक्ड अपॉन एज मेयरली एज द ड्रॉप ऑफ दैट इनफाइनाइट, अनलिमिटेड एंड लिमिटलेस ओशन। यह महासागर जो है अपने आप को अभी महासागर नहीं समझता है, वो बोलता है मैं अभी आत्मा हो गया, मैं अभी आत्मा हो गया हूँ। अब वो महासागर भूल गया, आत्मा के बाद में वो भूल जाता है, फिर बोलता है मैं जीवात्मा हूँ, फिर बोलता है मैं आदमी हूँ, मैं पशु हूँ, मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ, मैं ऋषि हूँ, मैं मुनि हूँ। हाय वो आत्मा और परमात्मा ही, पर इधर आने के बाद में वो सब भूल गया। और अल्टीमेटली फिर वो कहता है कि नहीं, मैं शिवात्मा हूँ, सातवीं भूमिका में मैं पहले अचेतन परमात्मा था, अभी मैं चेतन परमात्मा हो गया। यह
समझाने के लिए, बताने के लिए परमात्मा बार बार इस धरती पे आते हैं और हमको यह बताते हैं कि तुम्हारी अपनी असली अस्तित्व तुम्हारा क्या है, व्हाट इज़ योर रियल एग्जिस्टेंस, कि जिसके बारे में हमने अपने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारे लाखों जन्म है हो गए पर हमने ये नहीं सोचा कि हम कौन हैं। हमें यही मालूम है कि भाई हम लोग कल्याण में रहते हैं, अपना ये घर है, अपना ये धंधा पानी है, बस ये अपने रिलेटिव्स हैं, सब बात ख़त्म हो गई। और इसीलिए फिर आगे में बाबा ये कहते हैं कि इस अनंत अपरिमित और यह सीमा रहित ऐसा यह महासागर जो है, वह महासागर अभी अपने को क्या समझने लगा, यह वो ड्रॉप जो है, वो ड्रॉप जैसे उसका समझ हो गई कि मैं ये अभी ड्रॉप हूँ और ये महासागर का यह अंश मात्र, अथवा महासागर का अंश मात्र ही यह बूंद जो है, यह अनंत परिमित और अनंत सीमाओं से अनंत सीमित होती है। जो महासागर है वो अभी अपने को क्या समझने लगा, एक ड्रॉप समझने लगा और उसने अपने आप को सीमित बना लिया। अनंत का वो अभी सीमित हो गया, पहले अनंत था अभी वो सीमित हो गया। अर्थात यह जो बूंद जो है, यह जो ड्रॉप जो है, यह आत्मा जो है, अभी ये जब भी इस इल्यूजन में आ गई तो उसके ऊपर में बंधन आ गए, वो बंधनों से घेरी हुई है, वह बंधनों ने उसको घेर लिया है सभी तरफ से, वो बंधन उसके साथ में चिपक गए हैं, या बंधन उसके साथ में, बंधनों के साथ वो एक रूप हो गई है, कुछ भी बोलो। और इसीलिए पहले हम लोग जो करते थे, आत्मा ये परमात्मा है ये हम सिद्ध कर रहे थे, हमने माना था आत्मा यह परमात्मा है, अभी यह आत्मा अपने आप को महासागर का एक ड्रॉप करके अनुभव करती है और वो महासागर भूल गई, और ना ही उसको महासागर की चेतना भी थी, या उसको तो महासागर की चेतना भी नहीं थी। हम भाव थे, हम सोचते हैं ऐसा, हमने सोचा है ऐसा, और इसीलिए आत्मा जिसकी तुलना पहले हमने महासागर के एक बिंदु से की हुई है, और अभी वो अपने आप को एक सेपरेट एग्जिस्टेंस या अस्तित्व मान रही है, और इसीलिए वास्तव में ये कभी भी ये महासागर से अलग हुई नहीं है, ये वहीं पे है, अभी वहीं पे है, अलग हुई नहीं है। पर जैसे ही वो सोचती है कि मैं कौन हूँ, उसके बाद तुरंत उसके ऊपर में जो संस्कार उसके ऊपर में लड़ जाते हैं, जो संस्कार से वो जो गिरी हुई रहती है, संस्कार उसको घेर लेते हैं, उसमें फिर चेतना आती है, और वो चेतना परमात्मा की चेतना नहीं होती, वो इस माया की भ्रम की चेतना निर्माण हो जाती है। और इसके लिए वो आत्मा ये सोचती है कि मैं गैस हूँ, मैं पत्थर हूँ, मैं पशु पक्षी हूँ, मैं मानव हूँ इत्यादि, मैं साधु हूँ, संत हूँ, ऋषि हूँ, संत साधु सब कुछ बताते। और इसीलिए वास्तव में ये कभी भी यह असीमित अपरिमित और अनंत परमात्मा से वो कभी बाहर गई नहीं है, वो आत्मा वो, और हो भी नहीं सकती, जाने का सवाल नहीं, वो हो भी नहीं सकती। जिस अनंत परमात्मा की तुलना हमने वह अपरिमित और सीमा रहित ऐसे महासागर से हमने की थी, तो अभी भी यह उनका सिद्ध हुआ नहीं है कि आत्मा परमात्मा है, अभी आगे और है, वो समझा रहे स्टेप बाय स्टेप कैसे जाते हैं। और इसीलिए जैसे ही यह महासागर के ये अंश मात्र, यह जो है ये महासागर का अंश मात्र है, एक ड्रॉप है, एक बिंदु है, बस दैट्स ऑल। और अभी यह बुलबुला का रूप धारण करता है, बबल,
पहले बिंदु था, अभी बबल हो गया बुलबुल। और यह जब यह बुलबुला के रूप में होता है तो वह अपनी सीमितता को प्राप्त करता है। जब ही वो गैस रूप के साथ में एक रूप होता है तभी वो अपने आप को कहता है कि मैं गैस हूँ, क्योंकि ये चेतना और संस्कारों के वजह से, संस्कार और चेतना के वजह से यह आत्मा जो अनंत है, अपरिमित है, महासागर है, महासागर से अलग हुआ भी नहीं है, इसके बावजूद भी जब भी वो कहता है कि मैं कौन हूँ तो उसको ये ज्ञान होना चाहिए था कि मैं परमात्मा हूँ, पर ये ज्ञान उसको होता नहीं है। उसको ये ज्ञान होता है कि मैं जीवात्मा हूँ, मतलब मैं गैस रूप में हूँ, मैं दरगढ़ रूप में हूँ, मनुष्य रूप में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। यह ज्ञान उसको प्राप्त होता है किसके वजह से? इस बुलबुले के वजह से, बबल के वजह से। एंड व्हाट इज दिस बबल? बाबा कहते हैं ये है अज्ञान। हमारा जितना भी अभी तक हमने, बाबा क्यों बार बार ये कहते हैं न्यू लाइफ ओल्ड लाइफ, न्यू लाइफ ओल्ड लाइफ, इस अवतार कार्य के अंदर में उन्होंने कहा है कि ये ओल्ड लाइफ जो तुम्हारा है इसमें आपने यही सोचा कि आप फलाना फलाना है। न्यू लाइफ के अंदर में मैक्सिमम ह्यूमैनिटी को ये अनुभव होगा कि वो जीवात्मा नहीं है, वो शिवात्मा ही है। आप अपना जीवन व्यतीत करोगे इस धरती के ऊपर में, पर आपको ये ज्ञान होगा कि आप अनंत है, ना कि आप एक बबल है या एक बुड़बुड़ा है या ये बिंदु है। बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए यह जो बुलबुला जो है महासागर का, यह इसमें ये जो ड्रॉप जो है उसको पृथक अस्तित्व प्रदान करने का काम अगर किसी ने किया होगा तो वो अज्ञान ने, जिसे हम लोग बबल कहते हैं। यह ज्ञान और अज्ञान, हमको ज्ञान मिलना चाहिए था जब हमने पूछा कि हम कौन हैं, पर हम लोग गए पहले अज्ञान के पास में, क्योंकि हम अपने आप को पूछे, हमको मालूम है हम परमात्मा हैं और हम अपने से ही पूछ रहे कि हम कौन हैं, तो इसको बोलते हैं अज्ञान। अब जब हम पूछते हैं कि हम कौन हैं तो भाई आप गैस है, आप पत्थर है, आप मनुष्य है, आप ये है, आप वो है, वो लिंक लग गई, मतलब आप अनंतता से आप अपने आप को, आपने ही अपने आप को सीमित बना लिया, सीमित लिटिल छोटा सा। और अनंत होने के बावजूद भी हम रोते हैं, अनंत होने के बावजूद भी हम दुखी है, अनंत होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे टेंशन है और सब कुछ है, सवेरे से लेकर शाम तक नींद आती नहीं है, रात को भी नींद आती नहीं, क्योंकि वही प्रॉब्लम अगेन एंड वही चल रहा है। मालूम नहीं कितने जन्म हमने ऐसे ही अपने गवाए होंगे। और इसीलिए यह जो बुलबुला जो है परमात्मा में, यह आत्मा जो परमात्मा में स्थित है, यह आत्मा जो इस परमात्मा में स्थित है, वह बुलबुला की सीमाओं के वजह से और इस बुलबुला की सीमाओं के माध्यम से, अज्ञान यह माध्यम है, और इसीलिए माध्यम से यह आत्मा को इस अज्ञान ने ढाक लिया है। एक्चुअली उसको ज्ञान ने ढकना चाहिए था पर वो अज्ञान के द्वारा ढक गया है। और इसीलिए यह परमात्मा फिर से आया है। आत्मा नहीं बोलते अभी वो क्या बोलते हैं? परमात्मा। अभी यह परमात्मा प्रत्यक्ष या पृथक और अस्तित्व अनुभव करता है और इसीलिए उसको उसका अनुभव ये आता है कि मैं अभी परमात्मा से अलग हूँ, मैं अपनी ओन आत्मा से मैं अलग हूँ। ये अज्ञान के वजह से परमात्मा को भी यह अनुभव आया कि मैं अमुक अमुक हूँ। रीज़न ये वो ड्रॉप जो है उसके ऊपर में महासागर रहता है ना, महासागर के ऊपर में क्या आता है? सरफेस पे बबल ही आते हैं। और वो बबल जब फट जाता है तो वो जो पानी हो जाता है किधर है? वो महासागर में जाता है। तो आत्मा को लगता है कि मैं महासागर ही हूँ बराबर, पर जब तक वो वहाँ से ऊपर में है तब तक वो बबल है,
बबल है मतलब मानव रूप है, शरीर है, कारण शरीर है, ये है, मन है, सब कुछ है, सब कुछ है। कब तक? जब तक वो ऊपर में है, महासागर से थोड़ा ऊपर है, जब फट जाता है तो नीचे चला जाता है। वो जो लहर जो रहती है समुंदर में, वो जब किनारे पे जाती है तभी वो नष्ट होती है, और अदरवाइज वो लहर चलती रहती है। कितने किलोमीटर जाती होगी भगवान जाने। और इसीलिए जैसे ही यह अज्ञान का बुलबुला फट जाता है, वैसे ही आत्मा अपने आप को न केवल परमात्मा में पाती है, वरना उसको परमात्मा के रूप का और उसका परमात्मा को उसको ज्ञान भी हो जाता है। जब ही यह अज्ञान निकल जाएगा तो क्या रहेगा, क्या बचेगा? बाबा बोलता है ज्ञान ही बचेगा। तो तभी यह बुलबुला जब फटता है, वैसे ही आत्मा न केवल अपने आप को परमात्मा में पाती है, वरना वो अपने आप को परमात्मा के रूप में परमात्मा का अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद का वो अनुभव लेती है। जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी महात्मा ऋषि हो के गए, वो सारे के सारे जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनका अनुभव क्या होता है? यही होता है कि हम अनंत है, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है। और इसीलिए अभी 5 मिनट है, उसको समाप्त करते ताकि ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। और इसीलिए अज्ञान के वजह से यह जो बुलबुले की जो निर्मिति हुई है, अज्ञान के वजह से आत्मा द्वारा स्वरचित इस सीमा के माध्यम से आत्मा प्रत्यक्षतः परमात्मा के पृथक अस्तित्व की परंपरा प्राप्त करता है, और अनंत परमात्मा के इस स्वरचित पृथक के कारण आत्मा जो स्वयं अनंत है, अपरिमित है, सीमा रहित है, अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से अनंत सीमाओं से अनंत सीमित अनुभव करती है। तो ये सारा जो हमने दो चार ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस जो हमने देखा, उसका सार उन्होंने ये चार इसमें उन्होंने हमको बताया है। और वो है, वो कहते हैं, दो दिस लिमिटेशंस फॉर्म बाय द बबल ऑफ इग्नोरेंस सेल्फ क्रिएटेड बाय आत्मा, द आत्मा एपरेंटली इनहर्ट्स ए सेपरेटिव एग्जिस्टेंस फ्रॉम परमात्मा, एंड बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ क्रिएटेड सेपरेटिवनेस फ्रॉम द इनफाइनाइट परमात्मा, द आत्मा विच इज इटसेल्फ इनफाइनाइट, अनलिमिटेड एंड लिमिटलेस एपरेंटली एक्सपीरियंसेस इट्स एज मोस्ट फाइनाइट विथ इनफाइनाइट लिमिटेशंस। कहने का मतलब उनका ये था कि यह अज्ञान के वजह से जो आत्मा शुरू में परमात्मा ही है, हमेशा रहेगा, परंतु इस अज्ञान के वजह से जैसे गुणधर्म परमात्मा के हैं वैसे आत्मा के भी है। वो अनंत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, सब कुछ है, परंतु अपने आप को वो लिमिटेड समझता है, ओनली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस और ओनली बिकॉज ऑफ भ्रम और ओनली बिकॉज ऑफ माया। और इस सब को कारण अगर कुछ होगा तो वो है संस्कार। इसीलिए बाबा ने एक जगह कहा है कि मैंने जो आपको बताया है उसका बेसिस है संस्कार, और यह मैंने इसके पहले किसी भी अवतार युग कार्य में इतना स्पष्टीकरण मैंने नहीं दिया, कहीं पे भी नहीं है। हाँ, ये है मानव रूप मिलने के बाद में जो हम लोग बोलते हैं कि उसका ग्रेडेशन हम लोग करते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, तीन इसमें हम उसका ग्रेडेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं उसका, और पर हम लोग उसको बेसिस उसका संस्कार नहीं लेते। और इसीलिए इस पृथक इस सेपरेटनेस के वजह से, पृथकीकरण के वजह से आत्मा जो अनंत है, अमित है, अनलिमिटेड है, दिस एंड है, सब कुछ है, वह अपने आप को सीमित महसूस करता है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस संस्कार, ओनली बिकॉज ऑफ दिस अज्ञान। अज्ञान के वजह से ही ये संस्कार निर्माण हुए, संस्कार निर्माण हुए तो चेतना निर्माण हुई, चेतना निर्माण हुई तो वह चेतना अलग अलग रूपों के साथ में एक रूप होती है और आत्मा को ये अनुभव देती है कि तुम कौन हो,
गैस ये वो सब कुछ पशु पक्षी प्राणी ये जितने भी है साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी तक संतों तक छठवे प्रेम तक तुम्हारा हमारा यह अज्ञान जो है वो शुरू ही रहता है, वो बंद नहीं होता है। बंद कभी होता है वो जब ही वो बड़ वो जो बबल जो है वो फूट जाता है तभी हम लोग बोलते हैं कि नहीं। और इसीलिए बाबा बोलते हैं कि आपकी ड्यूटी क्या है कि आपका ये ड्यूटी है कि आप ये अपने आप को पहले इसको समझो और मानव जाति को ये बताओ। कठिन है, 100 200 400 500 साल लगेंगे समझने में, इतना ही आसान थोड़ी है। ये पूरी पूरा ट्रांसफॉर्म पूरा बदल होने में पूरे यूनिवर्स में बदल होने में ऐसे थोड़ी 50 साल और 100 साल में हो जाएगा, तो काफ़ी टाइम लगेगा पर होगा। बाबा बोलते हैं जरूर अवतार मेहर बाबा की जय। इसके बाद में जो सेकंड चैप्टर जो है भाग नंबर 2 जो है वो है इनिशियल अर्ज एंड द जर्नी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस। और इसका है कि यह मूल इनिशियल अर्ज मीन्स मूल रहर लहर जो है उसका मूल लहर और उसके बाद में चेतने का विकास विकासशील चेतना की यात्रा कि बाद में इस चेतने ने कैसी आत्मा कैसी उसने सफ़र किया कहाँ कहाँ से वो गई इसका वर्णन वो डिटेल हमने पहले अपन लोगों ने समझाया था पर अभी वो उन्होंने डिटेल में एक एक चीज़ जो है वो बारकाई से समझाई है वो हम नेक्स्ट टाइम देंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।